मेरी दुनिया में ग्रूमिंग और ड्रेस, मेरी दुनिया में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरी दुनिया में ग्रूमिंग और ड्रेसिंग बहुत जरूरी होती है, और व्लॉगिंग भी। सॉरी यार, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये फैशन और शूट्स की दुनिया में कैसे फंस गया, पर बहुत मजा आता है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। शूट के बीचों बीच ये देखो आ गए नो फैप मास्टर एवं मैंने तोड़ दिया नो फैप, सॉरी टू द ऑडियंस। यू हैव टू बी ऑन योर फीट, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू बी श्रूड यार। एक जमाना हुआ करता था जब हम और विराज शेट यूनिक्लो के साथ काम करने के सपने देखते थे, और आज क्या हो रहा है, हम काम कर रहे हैं यूनिक्लो के साथ। चेज योर ड्रीम्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, मीडिया इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद ये पता चला कि ये इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बस चैलेंजेस अलग होते हैं। क्योंकि कल बहुत ज़्यादा राइटिंग वर्क था, एक घंटे की नींद के बाद कॉफ़ी पी ली, ब्रेकफास्ट खा लिया, गर्म धूप में शूट कर रहे हैं। पैसे अच्छे हैं, फेम अच्छा है, रिकग्निशन अच्छी है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसलिए ये शायद हर बंदे के बस की बात नहीं होती। बहुत लोगों का आशीर्वाद रहा है मेरी लाइफ में। जब भी करियर की शुरुआत हुई थी वो फिटनेस इंडस्ट्री में हुई थी, अभी फैशन से मैंने और अलग अलग डोमेन्स में भी स्विच करी, पर वो पहले वाली स्विच इसलिए की थी क्योंकि ऑनेस्टली तब आई गॉट टायर्ड ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री। पर उस फेज़ की एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने ट्रोल्स, हेटर्स, डाउटर्स, उनकी बातें सहन करना सीख लिया था। तभी हर क्रिएटर की लाइफ में ऐसा फेज आता है, अपना काम करते रहो, खुद को चैलेंज करते रहो, आपका काम ही उन हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों एक शूट खत्म हो गया, दूसरी शूट का वक्त आ रहा है। ये मेरा एक फेवरेट हेल्दी रेस्टोरेंट है, क्विकली दिखा देता हूँ क्या खा रहा हूँ। तो मैं खा रहा हूँ एक ग्रिल्ड फलाफल रोल, और मेरे साथ साथ मेरे भाई खा रहे हैं एक हेल्दी सिनेमन हॉट चॉकलेट, ये है हेल्दी स्मूदी। मेरे साथ मेरी टीम भी खाती है हेल्दी खाना, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स की टीम। बाइसेप दिखा नहीं। तो अब हम जा रहे हैं मेरी एक बहुत स्पेशल फ्रेंड को मिलने, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरी गुरुजी। नमस्ते, कैसे नमस्ते आप? निकिता नमस्ते, जी नमस्ते, कैसे आप? बस बढ़िया, ये है निकिता जयसिंघानी। इंडिया की टॉप स्टाइलिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये नॉट टॉप, बहुत हम्बल इंसान है, बट शी इज वन ऑफ द टॉप फॉर श्योर। आपका ऑफिस आज देखना है, सब जानना है इस बड़े को। ये मेरा घर है, घर कम ऑफिस। आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ बता दो, अक्सर लोगों को ये पता नहीं कि डिजाइनर और स्टाइलिस्ट के बीच अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होती है। डिजाइनर्स वो होते हैं जो कपड़े क्रिएट करते हैं, फैशन लाइंस क्रिएट करते हैं। स्टाइलिस्ट हम उन सब कपड़ों को क्यूरेट करते हैं, साथ में उन सब आउटफिट्स को पुट टुगेदर, यू पुट टुगेदर अ लुक टुगेदर। आप लुक को कंपोज करती है। आपके कोई कोई क्लाइंट्स के नाम ले लो, जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट टू द व्यूअर्स। मेरे सबसे टॉप क्लाइंट और फेवरेट करण जौहर, अभिषेक बच्चन, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, सो बेसिकली द मेन ऑफ बॉलीवुड। You have to style me to go for a Sangeet wedding, okay? आपके हिसाब से मैं क्या क्या पहन सकती हूँ? According to your hair color, I feel कि आप पर gold अच्छा दिखेगा, कोई golden चीज। I feel मुझे नहीं। I mean I wouldn't wear gold, but नहीं। I'm saying okay चलो ठीक है, आप बोल रहे हो golden, तो perfect। आप फुल परी की तरह दिखोगे। परी, okay? No, okay। सोन परी। No, no, no। Stop it. Get some help. Hate it, but okay. इसके लिए आप stylist नहीं हो और मैं हूँ, thank God। आपके हिसाब से कोई लड़की क्या क्या पहन सकती है अगर उसको संगीत पे जाना है? वो crop top जैसी top। मुझे पता भी नहीं और क्या क्या होता है लहंगा साड़ी को छोड़ के, मतलब मुझे उतना नहीं पता women's dressing के बारे में। Fashion भैया आ गए। अब मैं stylist की back end के बारे में भी बात करना चाहूँगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? क्या आप हमें आपकी क्लोजेट दिखा देंगे एक बार जल्दी से? ये है मैजिक क्लोजेट, दिस इज वेयर द आर्ट इज क्रिएटेड। इट्स वेरी मेसी। नहीं, पर ये एक आर्टिस्ट की साइन होती है। दिस इज वेयर योर वर्क हैपेंस, दिस इज वेयर द वर्क हैपेंस, एंड विद द हेल्प ऑफ माय अमेजिंग गर्ल्स आई हैव
team of like 5 to 6 girls working with me. अब मैं आपको मेरी Instagram critique करने को बोलूँगा. Okay. Critique मतलब आप positive चीजें भी कह सकते हो. Negative चीजें भी कह सकते हो. तो we will start. Ranveer, nice color. आपको लगता है ये color मुझे suit करता है? Pink काफी color. suit करता है. I don't think हर लड़का pink पहनने के लिए अग्री करेगा. तो जब फेसबुक की शुरुआत हुई थी ना, तब फेसबुक ग्रुप्स हुए करते थे. हाँ जी. और एक फेसबुक ग्रुप था which was a girls only group, जिसमें टाइटल था We love boys who wear pink. तो तब से मेरे दिमाग में घुस गया था कि Then you wanted to wear pink. हाँ, of course. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है. उधर सूट सी सी यू वेयरिंग अ वेरी नाइस सूट. नाउ अब मैं आपको एक बात बोलूं रणवीर. बोलो. यहाँ पे आपने जो ये जूते पहने हैं ना, ये सूट के हिसाब से ये जूते अप्रोप्रिएट नहीं हैं. क्या आप क्या लेस अप्स ओके या बूट्स? गॉट इट. इट लुक मोर नाइसर. गॉट इट. यहाँ पे Is that you? Okay then. वो मेरी आधार आधार कार्ड मेरा अल्कोहलिक फेज है. भाई आपका आधार कार्ड पिक्चर काफी अच्छा है. नहीं रणवीर देखिए, आपका अदरवाइज इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपका फैशन गेम परफेक्ट है. इट्स जस्ट अगेन जो मैंने आपको बोला सेफ ड्रेसिंग व्हिच इज नॉट बैड. सी इफ यू आर अ सेफ ड्रेसर यू आर स्टिल अ गुड ड्रेसर. जस्ट बिकॉज अगर किसी ने प्रिंट पहना या किसी ने बोल्ड कपड़े पहने, दैट डज नॉट मेक देम वेल ड्रेस्ड. फैशन इज ऑल कम्फर्ट. एंड मेरे लिए अगर आप अंडर ड्रेस हो, आपके लिए आप परफेक्ट हो, क्योंकि आपके हिसाब से आप ग्रेट लग रहे हो. करेक्ट. बिकॉज आपका पर्सनैलिटी कब सबसे ज्यादा बाहर आएगा? जब आपके हिसाब से आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कब रहोगे आप? जब आप अच्छे लग रहे हो यहाँ पे. कॉन्फिडेंस ना सबसे अच्छा फैशन का आइटम रहता है एक कोई भी लुक के लिए. मतलब डेफिनेटली आपकी लुक मैटर करती है, कलर कॉम्बिनेशन मैटर करते हैं, सिलुएट्स मैटर करती है. बट मान लो आपने परफेक्ट आउटफिट भी पहनी पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो पूरी लुक मिट जाएगी. अगर जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप अच्छे लग रहे हो, आप अच्छे नहीं लगने वाले हो. मैंने निकिता देवी से आज बहुत कुछ सीखा है, मेनली बैलेंस्ड एम्बिशन के बारे में. थैंक यू निकिता जी. ओके दिस इज आई विल वैक्यू यू. आपसे आपसे बहुत कुछ सीखा आपसे. आपसे ये इनकी ह्यूमिलिटी है. हमने हिंदी में अच्छे से वार्तालाप की. जब हमने स्टार्ट किया था रणवीर ने बोला था आप हिंदी में वार्तालाप कर सकते हैं कि नहीं. आई थिंक आई किल्ड इट. का वार्तालाप बेस्ट वार्तालाप था. बेस्ट. और जो लोग ने इस व्लॉग को एंड तक देखा है उन्हें भी बड़ा थैंक यू. हाँ, हमारी बक बक सुनने के लिए. It's called okay, never mind. It's called what? It's called बकबकोदी. No. I was in this. But we will see you later. Thank you guys. Namaste.